जोहार। देखिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके अंतर्गत झारखंड के 24 जिलों के 21 साल से लेकर के 50 साल तक के महिलाओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो इसको लेकर के आज कुल मिलाकर के 4-4 महत्वपूर्ण अपडेट या फिर न्यूज है जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इन चारों अपडेट को या फिर न्यूज को बहुत ही अच्छे ढंग से संक्षेप में आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ आप लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम लोगों ने ऑफलाइन अप्लाई किया तो हम लोगों का पैसा आएगा फिर नहीं आएगा, तो इसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही साथ आप लोगों का यह भी प्रश्न आ रहा है कि जो हम लोग फॉर्म भर रहे थे तो इसका जो डेट है वो बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, तो इसे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही साथ वर्तमान समय में जो हम लोग देख रहे हैं आप लोगों को जो 1,000 रुपये झारखंड सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए जो साइबर क्रिमिनल लोग है वे लोग भी एक्टिव हो गए और आप लोगों को जो है SMS या फिर फोन कर रहे हैं कि OTP भेजो तो आपके खाते में हम 1,000 रुपये भेज देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे फोन आ रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आप लोग साइबर क्रिमिनल से कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के आज जो पहला अपडेट है आप लोगों का उसे देखें। तो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि चलती रहेगी मैया योजना और मिलता रहेगा फॉर्म। आप लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा था कि इस योजना के अंतर्गत जो फॉर्म भरे जा रहे थे तो उसका अंतिम तिथि क्या है या फिर इसका डेट बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, तो ये सारे चीज आप लोग पूछ रहे थे, तो उसका जवाब आपका यहीं पर है कि ये जो योजना है चलती रहेगी और इसका जो फॉर्म है मिलता रहेगा। और जो जो महिलाएं अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किए हैं तो अभी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि झारखंड सरकार ने इस योजना के अंतर्गत जो फॉर्म भरने का डेट जारी किया था तो इसका जो शुरुआत है 3 अगस्त 2024 से हुआ था और इसका अंतिम तिथि शुरू में 10 अगस्त रखा गया था, लेकिन जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे थे यानी कि लिंक फेल है या फिर सर्वर डाउन है इत्यादि, तो इसको देखते हुए इसके डेट को जो बढ़ा करके 15 अगस्त 2024 तक कर दिया गया था और वह डेट था शिविर में जमा करने का। लेकिन इसके बाद कहा गया था कि शिविर के बाद आप लोग जो प्रज्ञा केंद्र में भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो अभी भी आपके पास समय है, इसका डेट नहीं है, बल्कि ये जो लगातार चलने वाली योजना है इसका कोई भी अंतिम डेट नहीं है, तो आप लोग अभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो इसमें आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है वरीय संवाददाता रांची, यानी कि यह जो न्यूज है रांची से प्रभात खबर समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हमेशा चलती रहने वाली योजना है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी, यानी कि चुनाव में भी रहेगा, चुनाव के बाद भी रहेगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि चुनाव के लिए इस योजना को निकाला गया, इसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, तो इसमें झारखंड सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि यह जो योजना हमेशा चलती रहेगी और इसका फॉर्म भी मिलता रहेगा। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों के अलावा BDO व CO कार्यालय में योजना का फॉर्म निशुल्क उपलब्ध होगा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसका जो फॉर्म है आप लोगों को फ्री में निःशुल्क में कहां पर मिलेगा, तो इसमें दिया गया है कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों के अलावे BDO और CO के ऑफिस में इस फॉर्म को आप लोग फ्री में मुफ्त में ले सकते हैं। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि फॉर्म भरकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रज्ञा केंद्रों व BDO कार्यालय व शहरी क्षेत्रों में प्रज्ञा केंद्रों व CO कार्यालय में जमा कराया जा सकेगा, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वे लोग कहां कहां पर फॉर्म को अब भर सकते हैं। शिविर तो समाप्त हो चुका है 15 अगस्त को, तो वर्तमान समय में आप लोग फॉर्म को भर के कहां पर जमा करेंगे, तो आप लोग जो है प्रज्ञा केंद्र में या फिर BDO के ऑफिस में जमा कर सकते हैं। और वहीं पर जो शहर हैं जैसे कि बड़े बड़े शहर हैं रांची जमशेदपुर गिरिडीह या फिर हजारीबाग इत्यादि, तो वहां पर आप लोग जो है CO कार्यालय में या फिर प्रज्ञा केंद्र में फॉर्म को जो है भर करके जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। इसके आगे इसमें लिखा हुआ है कि 21 से 50 वर्ष तक की सभी महिलाएं योजना का लाभ ले सकती हैं और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने योजना के संबंध में फैलने वाली भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके जवाब FAQ भेजकर सभी उपायुक्तों को इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। यानी कि झारखंड का जो हम लोग देख रहे हैं महिला बाल एवं कल्याण विभाग जो है
तो उसके द्वारा जितने भी डीसी हैं 24 जिलों के, तो उसको जो है पीडीएफ के माध्यम से भेजा गया है जवाब, और बोला है कि इसके माध्यम से आप लोग क्षेत्र में पूरा प्रचार प्रसार कीजिए, और जो भी भ्रांतियां हैं यानी कि जो अफवाहें फैली हुई है तो उसको जो दूर करने का प्रयास कीजिए, तो ये निर्देश दिया गया है। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि कहा है कि क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय भाषाओं में प्रचार कराया जाए। बहुत सारे क्षेत्र हैं हमारे झारखंड में, और हर क्षेत्र की भाषा लगभग लगभग अलग है। जो क्षेत्रीय भाषा हम लोग देखते हैं, हो, मुंडारी, संथाली, खोटा, कुरमाली इत्यादि, तो उन सभी भाषाओं में इन सारे चीज़ों को प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया है, ताकि सभी महिलाएं इसमें लाभ उठा सके। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि एफ ए क्यू में बताया गया है कि आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आवेदकों को मुख्यमंत्री की ओर से SMS दिया जाएगा। आप लोग जैसे ही फॉर्म को जमा करेंगे, इसके बाद आपके पास SMS जाएगा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन की स्वीकृति के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम से लाभुक के मोबाइल नंबर पर जानकारी भेजने के बाद स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। यानी कि फॉर्म जमा करेंगे उस समय भी आपका मैसेज जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो स्वीकृत हो जाएगा सब कुछ जांचने के बाद कागज पत्र, तब भी आपके पास जो है SMS जाएगा मुख्यमंत्री के माध्यम से, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस फॉर्म को भरा है, तभी तक उसका जो SMS नहीं आया, और वे लोग जो है सस्पेंस में है कि हमारा जो है स्वीकृत हुआ या फिर नहीं, या फिर हमारा पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया वो हम लोगों ने देखा। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि स्वीकृति माह से ही 1000 रुपये की समान राशि लाभुक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिस महीने आपका स्वीकृत किया जाएगा उसी महीने से आपके खाते में 1000 रुपये जाने शुरू हो जाएंगे। और वहीं पर हम लोग देख रहे हैं पाकुड़ जिले में लगभग 60,000 महिलाओं के खाते में 1000 रुपये आ गए हैं। बाकी जिलों में भी कहीं कहीं पर 1000 रुपये महिलाओं के खाते में आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि इसकी सूचना भी मुख्यमंत्री के नाम से संदेश प्रेषित कर लाभुक को दी जाएगी। यानी कि जैसे ही पैसा आएगा तो इसकी भी सूचना आप लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि निःशुल्क है योजना, पैसे मांगने पर करें शिकायत। यानी कि इसमें जो पैसे दिए जाएंगे आप लोगों को, इसका जो फॉर्म भरा जा रहा था तो फॉर्म निःशुल्क है, और अगर कोई पैसा मांगता है किसी भी नाम से तो आप लोग जो है शिकायत कर सकते हैं। और इसके लिए जो है एक नंबर जारी किया गया जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 1800890025। तो इसमें आप लोग शिकायत कर सकते हैं, और जो आप लोगों से गलत ढंग से पैसे मांगेंगे तो उस पर जो है कार्रवाई किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पहला जो आपका अपडेट दिया गया था झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के, उसे हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो इस योजना को लेकर के आज जो छपा हुआ है उसे हम लोग देखें, तो आप लोग यहाँ पर देखिए क्या कुछ दिया हुआ है। इसमें जो हम लोग देख रहे हैं छपा हुआ है कि मैया योजना 44,30,000, यहाँ जो दिया हुआ है 44.30 लाख, यानी कि 44,30,000 आवेदन और 41.60 लाख स्वीकृत, 41,60,000 स्वीकृत हो गया है। यानी कि इतने महिलाओं ने फॉर्म को भरा था, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कुल मिलाकर के लाखों में 44 लाख, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कुल मिलाकर के 44,30,000 महिलाओं ने फॉर्म को भरा था, और वहीं पर 41.60 लाख महिलाओं का जो फॉर्म है स्वीकृत कर लिया गया है। तो आप लोग बहुत सारे महिलाओं का जो प्रश्न था कि हम लोगों ने ऑफलाइन अप्लाई किया है तो हम लोगों का फॉर्म स्वीकृत हुआ या फिर नहीं, या फिर हम लोगों का पैसा आएगा फिर कि नहीं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पाकुड़ जिले में जो दिया गया महिलाओं को, तो उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी तरह के महिलाओं को ये पैसा दिया गया 1000 रुपये, या फिर अन्य जिलों से जो सूचना आ रही है तो उसमें बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया था और उसका पैसा भी आना शुरू हो गया। और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं जो 41.60 लाख महिलाओं का स्वीकृत किया गया है, तो इसमें जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के महिलाओं का इसमें डाटा दिया गया है। तो आप लोग चिंतित नहीं रहिए, आप लोग अगर ऑफलाइन अप्लाई किए तो भी आप लोगों का पैसा जो है एक ही साथ आएगा, ऐसा नहीं कि आगे पीछे आएगा, ठीक है। और इस महीने के बाद आप लोगों का जो प्रत्येक महीने जो है 15 तारीख से पहले 1000 रुपये आपके खाते में आने शुरू होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो अगला जो आपका योजना है
अपडेट है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि मैया योजना का कॉल आने पर अपना ब्यौरा साझा न करें। और यहाँ पर देखिए दिया गया है कि मैया योजना को लेकर फर्जी कॉल से सावधान रहें महिलाएं, तो इसको लेकर के हम लोग यहाँ पर जाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि मैया योजना का कॉल आने पर अपना ब्यौरा साझा न करें। वर्तमान समय में जो हम लोग देख रहे हैं आप लोगों के खाते में 1,000 रुपये जो भेजना शुरू किया गया है, तो ऐसे स्थिति में जो साइबर क्रिमिनल लोग हैं वो लोग पूरा एक्टिव हो गए हैं और महिलाओं को जो दिया गया मोबाइल नंबर है तो उसमें फोन कर रहे हैं और फोन करके बोल रहे हैं कि तुम्हारा पैसा आया। महिलाएं बोलती है नहीं सर अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे में वो जो फ्रॉड कॉल जो करते हैं वो लोग कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम्हारा जो बैंक खाता है वो लॉक हो गया है, तो हम जो है खोलने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके पास SMS जाएगा उसमें जो OTP है उसको बताइए तो आपका जो अकाउंट है खुल जाएगा, लॉक जो है वो टूट जाएगा, इसके बाद आपके खाते में 1,000 रुपये जाने शुरू हो जाएंगे। और वो लोग कहते हैं कि हम जो है BDO ऑफिस से बोल रहे हैं, CEO ऑफिस से बोल रहे हैं, कोई कहता है बैंक से बोल रहे हैं, और इस तरह से महिलाओं को जो SMS भेज रहे हैं और उससे जो OTP मांग रहे हैं। अगर आप लोग ऐसा देते हैं OTP अगर देते हैं वापस में या फिर फोन के माध्यम से बताते हैं तो आप लोगों का जो बैंक में पैसा रखा हुआ है पहले से उस अकाउंट में वो पूरा साफ हो जाएगा। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का कोई भी फोन आता है तो उस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा किसी को भी फोन नहीं किया जा रहा है, समझ गए, और ना ही उससे रिप्लाई में SMS मांगा जा रहा है कि तुम OTP मांगो। तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो है इस तरह का गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो 1,000 पाने के चक्कर में आपका जो वर्षों का जमा किया गया पूंजी है वो भी साफ हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपका झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के जो चार महत्वपूर्ण अपडेट या न्यूज था उसे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया, और साथ ही साथ आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि इसका जो डेट है बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, इसका मैंने जवाब दिया। और साथ ही साथ आप लोगों का जो प्रश्न था कि हम लोगों ने ऑफलाइन अप्लाई किया है तो पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इसका भी जवाब मैंने देने का कोशिश किया। और साथ ही साथ आप लोग साइबर क्रिमिनलों से कैसे बच सकते हैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताया। और ठीक इसी तरह से आपके लिए इस योजना को लेकर के या फिर सरकारी नौकरी को लेकर के किसी भी तरह का अपडेट आप लोग पाना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा तो अपने सगे संबंधियों को या फिर दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इससे फायदा उठा सके। तो फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, थैंक यू।